बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 80 एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ टर्म ऑफ देम इज 30, फाइंड द टर्म्स। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स कहा गया कि अगर जीपी की कोई फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है, हम उन फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर सम लें तो वो आता है 80, और अगर उन कंसेक्टिव टर्म्स में से सेकंड और फोर्थ टर्म का की अरिथमेटिक मीन फाइंड करें वो आता है 30। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, उनकी टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट द फोर कंसेक्टिव टर्म्स of GPR AR square and AR cube, ठीक है। ये फोर टर्म्स मैंने ले ली जो कि क्या है, जीपी में है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक तो उन्होंने कहा है कि जो इन फोर कंसेक्टिव टर्म्स का सम है वो क्या 80 है, तो मैं लिखती हूँ A+AR+AR² + AR³ = 80। इसको कह देते हैं 1, ठीक है। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हमें बताया गया कि इसकी सेकेंड, ये सेकेंड टर्म है और ये इसकी फोर्थ टर्म है। अगर मैं इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लूँ तो वो क्या आता है 30। तो सेकेंड और फोर्थ टर्म क्या है, AR³, इसका अरिथमेटिक जो मीन है वो क्या है, 30 के इक्वल है। तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, AR + A+ = 60। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ये टर्म्स हैं, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, 60 पुट कर देती हूँ। इसको 2 कहते हैं, पुटिंग इन वन A+AR² + 60 = 80। तो ये हो गया A+AR² = 80 - 60, A+AR² = 20, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे R है, इधर R³ है, यहाँ R नहीं, यहाँ R² है। मैं क्या करती हूँ, इसको एक R से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय R ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AR + AR³ = 20R, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, वो इसमें ऐड कर देते हैं, इसको 3 कहते हैं। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखने लगी हूँ, AR + AR³ = 60। इन दोनों को सिंपली मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 = 20R - 60, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 20R = 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 = 6, तो यहाँ से आ गया R = 3। अब R की वैल्यू 3 आ गई, इस R की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग R = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आ गया A × 3 + A × 3³ = 60, 3A + 27A = 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 30A = 60। सो दिस इम्प्लाइज A = 60/30। तो A हमारे पास क्या आ गया, 2। A 2 है, R 3 है। हमें फाइंड क्या करनी थी, फोर कंसेक्टिव टर्म्स, और वो हम लोगों ने ये सपोज किए हैं, सिंपली इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास फोर टर्म्स आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो फोर टर्म्स सपोज की थी, उनमें पहली टर्म हमारे पास क्या थी, A = 2, सेकंड टर्म थी AR, ठीक है। तो A क्या है, 2 है, R है 3, 3 × 2 = 6, थर्ड टर्म थी AR² A क्या है, 2, R क्या है, 3 का स्केयर, यह आ गया 18, और फिर हमारे पास था AR³, A हमारे पास क्या है, 2 है, और R क्या है, 3, 3 का क्यूब ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 54। सो दिस इम्प्लाइज 2, 6, 18 एंड 54
आर फॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।